नमस्कार, मैं साक्षी गोपाल, आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। बिरसिंहपुर पाली के दफाई के वार्डवासी घाट की समस्या को लेकर बहुत ही परेशान है। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली अंतर्गत दफाई में वार्ड नंबर 15 में माता संतोषी जी के प्रसिद्ध मंदिर के बगल से एक घाट है, जहां पर पानी का एक स्रोत छोटे से झरने के रूप में लगभग 20 सालों से मौजूद है। इस घाट पर वार्ड नंबर 14, 15 और कई वार्डों के लोग आते हैं और अपने जीवनोपार्जन के लिए पानी की आवश्यकता को यहीं से पूरी करते हैं। माता संतोषी जी के मंदिर से जल चढ़ाने के लिए भी इसी झरने से पानी लिया जाता है एवं लोग यहां स्नान ध्यान कर मंदिर में दर्शन एवं पूजा आदि के लिए आते हैं। आसपास के सभी वार्डवासियों को पीने के लिए, घरेलू उपयोग के लिए एवं नहाने के लिए, धोने के लिए यहीं से पानी का उपयोग करते हैं। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर इसी घाट पर मुंडन आदि का कार्य भी किया जाता है, परंतु इस घाट पर साफ सफाई एवं घाट की मरम्मत पर कई सालों से ध्यान नहीं दिया गया है, जिससे सभी वार्डवासी बहुत ही ज़्यादा परेशान है तथा इसकी शिकायत उन्होंने नगर पालिका एवं कई जगहों पर की, परंतु आज तक किसी के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और ना ही किसी की तरफ से कोई ध्यान भी दिया गया। उमरिया जिला ब्यूरो चीफ प्रियम सिंह परिहार की रिपोर्ट। आपका नाम? बब्बू कौर जी। ये कौन सा क्षेत्र है? ये दफाई क्षेत्र है, वार्ड नंबर 15। अच्छा, ये मंदिर किसका है? संतोषी मंदिर है। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या ये है सर कि ये सार्वजनिक घाट है और घाट में कम से कम 1000-2000 लोग डेली आते हैं स्नान के लिए, ब्रश मुखारी नहाने खोलने के लिए, पानी के लिए आते हैं 1000-2000-1500 आदमी और लड़के बच्चे बूढ़े सियान समेत। अब सर समस्या हमको ये है सर कि यहाँ ना कोई रिपेयरिंग है सार्वजनिक है सर, अब यहाँ संतोषी माता के मंदिर के बाजू से है ये घाट और यही घाट के पानी से उनको स्नान किया जाता है ना, और यहाँ नहाते हैं विसर्जन के लिए, विसर्जन भी यहीं होती है लेकिन यहाँ कोई साफ सफाई नहीं होती है और देख लीजिए घाट का हाल कैसा है। यहाँ साफ सफाई के लिए कोई नहीं आता? कोई नहीं आता, लाखों बार भर 2-4-10 बार हम लोग अर्जी भी लगवाएं, यहाँ न पंच न सरपंच न अध्यक्ष, यहाँ कोई सुनवाई नहीं होता सर। अब अर्जी लगवाए भी हैं तो अर्जी का कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा, कितने वार्डों के लोग यहाँ पे आते हैं? यहाँ के अभी तो पर्सनली सर ये 14-15 वार्ड में 1000-1500 आदमी तो होते ही हैं, वो तो मतलब डेली सुबह से 5 बजे से लेके 9-10 बजे तक रहते ही हैं, यहाँ लगा आना जाना लगा ही रहता है यहाँ उनका, सब नहाना धोना सब कुछ यही त्यौहार में भी यहीं रहता है सर, आना नहाना धोना सब यहीं रहता है, त्यौहार में भी पूरे लोग यहीं सब मार्केट तक के लोग आते हैं यहीं, और यहाँ मुंडन भी होते तो वही जो पानी हम पीने वाला है नहाने वाला तो उसी में मुंडन होते हैं तो पानी का मत पूरा बाल वाल आ जाता, तो फिर हम अब साफ सफाई के लिए हम अर्जी लगवाते तो सर कोई चिंता नहीं आती हमारी, पानी पीने का जो भी सफाई है तो हम ही लोग करते हैं, जैसे आम आदमी लोग हैं हम ही लोग कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसको सफाई करने वाला कोई आता है। और इसकी शिकायत आपने लिखित में कहीं दी है? सर लिखित में अध्यक्ष को दिए हैं, क्या कहते हैं ये पार्षद हो गए 181 में लगा के किए हैं सर, आवेदन दिए हैं लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं, कलेक्टर ऑफिस में दिए हैं सर लेकिन कोई सुनवाई नहीं। 181 हेल्पलाइन में भी किए हैं सर, वहाँ भी कुछ नहीं, वहाँ से भी कुछ वो नहीं खबर पता नहीं, ना कोई सुनवाई होती है सर। चलिए ठीक है।